फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वीकेंड और वीकेंड्स क्या है। आप कहते हैं कि इन दोनों वर्ड्स को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीकेंड एक सिंगुलर नाउन है जिसका मतलब होता है हफ्ता का दो दिन यानी छुट्टी वाला दिन, जो है सैटरडे और संडे। यानी सैटरडे और संडे को हम वीकेंड कहते हैं। वही बात अगर हम वीकेंड्स की करें तो वीकेंड्स एक प्लूरल नाउन है और जैसा कि आप जानते हैं एक महीने में चार वीकेंड्स होते हैं, यानी एक महीने में चार बार सैटरडे संडे आते हैं। तो वीकेंड्स का मतलब होता है एक से ज्यादा वीकेंड, यानी एक से ज्यादा सैटरडे और संडे वाले दिन। आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में समझें। अगर लिखा हो आई एम फ्री दिस वीकेंड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि इस वीकेंड को मैं खाली हूँ, यानी इस वीक में जो सैटरडे और संडे है उन दिनों मैं फ्री हूँ या मैं खाली हूँ। अगर लिखा हो आई एम फ्री ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं अगले वीकेंड को यानी इस वीक को छोड़कर जो वीक आएगा उसमें जो सैटरडे और संडे है उस दिन मैं खाली हूँ। अगर लिखा हो My next weekends are going to be very busy, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मेरे आने वाले वीकेंड्स यानी एक से ज्यादा सैटरडे और संडे वाले दिन बहुत बिजी होने वाले हैं या बहुत काम काज वाला होने वाला है। अगर लिखा हो नेक्स्ट टू वीकेंड्स आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि आज के बाद से आने वाला दो वीकेंड्स यानी सैटरडे और संडे बहुत बिजी होने वाला है या बहुत काम काज वाला होने वाला है। अगर लिखा हो आई गो टू माई होम दिस वीकेंड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि इस सैटरडे और संडे को मैं अपने घर जाऊंगा। अगर लिखा हो आई गो टू माई विलेज ऑन थर्ड वीकेंड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ इस महीने के तीसरे वीकेंड को मैं अपने गांव जाऊंगा। अगर लिखा हो आई गो टू माई होम ऑन वीकेंड्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि हर सैटरडे और संडे को यानी सभी वीकेंड्स को मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि वीकेंड का मतलब होता है हफ्ता का वो दो दिन जो है सैटरडे और संडे, जो एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात वीकेंड्स की किया जाए तो ये एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा सैटरडे या संडे वाले दिन। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या आप मुझे बताएंगे कि अगले वीकेंड आप क्या करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।